प्रस्तुत फिल्म संत रविदास के जीवन गाथा पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि संत रविदास का जन्म वाराणसी के पास तत्कालीन काशी राज्य में मंडुआडीह नामक ग्राम में सन 1400 ईस्वी में माघ पूर्णिमा को रविवार के दिन हुआ था। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे तपस्वी, अपनी आंखें खोलो, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुए। कहो, किस कारण तपस्या कर रहे हो? प्रभु, ये आपकी वाणी है। प्रभु, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। हे प्रभु, यदि ये आपकी वाणी है तो मैं आपकी वाणी सुनकर धन्य हो गया। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो जानते हैं कि मैं संतान विहीन हूँ, बस इसीलिए मैं तपस्या कर रहा था। हे प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे एक संतान देकर पिता होने का गौरव प्रदान करें। हे तपस्वी, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, परंतु उसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। उपाय? कैसा उपाय प्रभु? मैं संतान प्राप्ति के लिए हर उपाय करने को तैयार हूँ। तो सुनो, तुम्हें और तुम्हारी धर्मपत्नी को 9 माह तक रविवार के व्रत करने होंगे। व्रत के आखिरी रविवार को तुम्हारे घर एक पुत्र जन्म लेगा। बालक का जन्म रविवार को होने के कारण तुम उसका नाम रविदास रखना। हे तपस्वी, जो बालक तुम्हारे घर जन्म लेगा वो आगे चलकर बहुत महान संत होगा, उसकी कीर्ति सारे संसार में होगी। वो बालक अपने ज्ञान से लोगों का सच्ची भक्ति के प्रति मार्गदर्शन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। अरे भगवान, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ इधर। आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, लगता है ईश्वर ने आपकी कोई मनोकामना पूर्ण कर दी। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो भगवान, प्रभु ने हमारी मनोकामना पूर्ण होने का उपाय हमें बता दिया। प्रभु ने? हाँ हाँ भगवान, प्रभु ने। अभी अभी आकाशवाणी हुई, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। क्या उपाय बतलाया है, जरा मैं भी तो सुनूं। भगवान, हमें 9 महीने तक रविवार के दिन व्रत रखने होंगे, बस यही सरल सा उपाय है हमारी मनोकामना पूरी हो। तो ठीक है, हम 9 माह तक हर रविवार को व्रत रखेंगे। मेरा लाल दूध नहीं पी रहा। तो ठीक से दूध नहीं पिला रही होगी। नहीं बहन, मैंने बहुत कोशिश की। तुम ऐसा करो, इसके पिताजी को बुला लो। ठीक है, मैं व्यवस्था करती हूँ। और पहले
क्या बात है भगवान, मुझे इस तरह क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? स्वामी मन नहीं कर रहा है, आप ऐसा कीजिए जल्दी से जाके किसी वैद्यराज को बुला के लाइए। अच्छा अच्छा, तुम धैर्य से काम लो, अपने आप को और बच्चे को संभालो, मैं अभी वैद्यराज को लेकर आता हूँ। वैद्यराज जी प्रणाम। प्रणाम भाई। अरे रघु, तुम इतने घबराए हुए क्यों? सब कुशल तो है? कुछ भी कुशल से नहीं है वैद्यराज जी, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? जरा बैठकर अपनी समस्या बताओ। बैठने का समय नहीं है वैद्यराज जी, जल्दी से उठिए और चलिए मेरे साथ। ठीक है भाई, चलो। रघु, मेरे हिसाब से बच्चा एकदम स्वस्थ है। वैद्यराज जी, जब आपके हिसाब से बच्चा एकदम ठीक है तो फिर दूध क्यों नहीं पी रहा है? जरा इसका चेहरा देखिए, दूध ना पी पाने की वजह से इसका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। वैद्यराज जी, मैं इसकी माँ हूँ, इसके पल पल की खबर मुझे है, आप एक बार दोबारा इसका परीक्षण करके देखिए ना। पुत्री, मैं बिल्कुल ठीक से देखने के बाद ही अपनी राय दे रहा हूँ, तुम्हारा पुत्र बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ, ये हो सकता है इसके दुग्ध पान न करने का कारण कुछ और हो। कुछ और क्या कारण हो सकता है वैद्यराज जी? बेटा, हो सकता है इसमें कुछ प्रभु की लीला हो, प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दो, मैं चलूं। अच्छा, नमस्ते। हे प्रभु, ये तेरी कैसी लीला है? हमसे कोई पाप हुआ हो तो उसकी सजा हमें दे, हम दुखियार की परीक्षा लेके इस नन्ही सी जान को सजा मत दे। हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें सजा देना, मेरे लाल पे तरस खाओ, इस नन्ही सी जान पर तरस खाओ। आलोक निरंजन। प्रणाम महाराज। कल्याण हो बेटा। बेटा, भिक्षा मिलेगी, भोजन करना है। क्षमा करें महाराज, मैं आपको भोजन नहीं करा सकता। क्यों बच्चा, क्या बात है? महाराज, हमारे पुत्र का स्वास्थ्य खराब होने के कारण घर में चूल्हा नहीं जला है। कोई बात नहीं बेटा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तेरे पुत्र को हुआ क्या है? महाराज, मैं क्या बताऊँ, कुछ मालूम ही नहीं हो पा रहा है। जब से हमारे पुत्र ने जन्म लिया है, अपनी माँ का दुग्धपान नहीं कर रहा है, जिससे उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। वैद्यराज जी का कहना है कि दुग्धपान न करने का कारण प्रभु की कोई लीला है,
हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। धैर्य रखो, धैर्य रखो। यदि ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बेटा, क्या तुम मुझे एक बार अपने बालक को दिखा सकोगे? क्यों नहीं महाराज, आइए आइए महाराज आइए। ये रहा हमारा पुत्र। यदि तुम लोगों को बुरा ना लगे तो मैं इस बालक का परीक्षण एकांत में करना चाहता हूँ। कृपा करके तुम लोग बाहर जाने का कष्ट करोगे? परंतु महाराज। पुत्री, यदि तुम्हें हम पर विश्वास है तो जैसा हम कहते हैं वैसा करो। ईश्वर ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। आओ भगवान आओ, ज्यादा संकोच मत करो, आओ। कहो मेरे प्रिय शिष्य, कैसा लग रहा है तुम्हें ये तुम्हारा नया जीवन? और हाँ, एक बात बताओ, क्यों दुग्धपान त्याग कर अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहते हो? गुरुदेव, आप तो सब कुछ जानते हैं। जब पूर्व जन्म में मैं एक ब्राह्मण था और आपका प्रिय शिष्य भी, तब एक दिन आपने एक शूद्र के यहाँ से भिक्षा लाने के कारण मुझे श्राप दे दिया था कि जा, तेरा अगला जन्म इसी जाति में होगा। तो गुरुदेव, आप ही मेरी दुविधा को दूर करें। जब तक मुझे इस जाति में जन्म लेने का उद्देश्य तथा उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपका आशीर्वाद नहीं मिल जाता, तब तक मैं दुग्धपान नहीं करूंगा। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा श्राप तो एक बहाना था। इस जाति के उद्धार के लिए ही तुम्हारा जन्म इस जाति में हुआ है। तुम्हें अपने ज्ञान के द्वारा लोगों का प्रभु के प्रति सही भक्ति का मार्गदर्शन करना होगा। तुम उस माँ से अन्याय मत करो जिसने तुम्हें जन्म दिया है। माँ माँ होती है बेटा, उसे और मत सताओ। दुग्धपान कर उसे उसका माँ होने का गौरव प्रदान करो बेटा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, परंतु इस संसार में ऊंच नीच का बड़ा भेदभाव है। लोग छोटी जाति वालों से घृणा करते हैं। यहाँ मनुष्य मनुष्य के पास बैठना तो दूर, उनकी बातें सुनना भी पसंद नहीं करता। सच बड़ा दुख होता है ये सब कुछ देखकर। बेटा, इस कारण ही तुम्हारा जन्म इस छोटी जाति में हुआ है। तुम्हें अपने ज्ञान और भक्ति से लोगों की सोच बदलनी है। तुम अपने ज्ञान का प्रकाश हर तरफ फैलाओ और लोगों का सही मार्गदर्शन करो। गुरुदेव, मैं आपके आशीर्वाद को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक मैं अपने जन्म लेने के उद्देश्य को पूरा करता रहूंगा। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। परंतु मेरी एक इच्छा है गुरुदेव। कहो पुत्र, जन कल्याण के लिए अपनी इच्छा कहो। गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि समाज के सभी वर्गों के लोग मेरे घर भोजन ग्रहण करें। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। धीरज, सब ठीक है। महाराज, क्या बात है, परीक्षण में इतना समय क्यों लगा? पुत्री, चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारा पुत्र बिल्कुल ठीक है। महाराज, चिंता की कोई बात नहीं है तो मेरा लाल दूध पान क्यों नहीं कर रहा है? अवश्य करेगा पुत्री, लेकिन उसके लिए तुम्हें कार्य करना होगा। आप आदेश कीजिए महाराज, अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। तो सुनो, तुम अपने घर पुत्र होने की खुशी में सभी नगरवासियों को अपने घर भोजन पर आमंत्रित करो। और हाँ, याद करके सभी वर्गों के लोगों को निमंत्रण भेजना। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज, ये संभव नहीं है। आपको शायद पता नहीं है कि मैं छोटी जात से और उच्च जात के लोग हमारे यहाँ भोजन करना तो दूर, हमारी बस्ती से गुजरना भी पसंद नहीं करते। और आप कहते हैं कि मैं उनको भोजन पर आमंत्रित करूं, ये कतई संभव नहीं है महाराज। बेटा, तुम निराशावादी की तरह बातें क्यों करते हो? तुम सच्चे मन से प्रयत्न करो, बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। महाराज, आप ठीक कहते हैं, आपकी आज्ञा का पालन होगा। अच्छा बेटा, हम चलते हैं, ईश्वर ने चाहा तो सब अच्छा होगा। अलोक निरंजन। नीच, खबरदार जो अपनी परछाई भी हम पर पड़ने दी, इसी जमीन में खोद कर गाड़ दूंगा। नीच, तूने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। तूने ये कैसा माया जाल रचाया है? आप लोग यूं क्रोधित ना हो, मैंने कोई माया जाल नहीं रचाया है। मेरे यहाँ पुत्र होने की खुशी में मैंने आप सब लोगों को निमंत्रण भेजा था, जो आप लोगों ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। आप सब यहाँ अपनी इच्छा से पधारे हैं। खुशी तो दूर की बात, हम तो तुम्हारे यहाँ बहुत पे भी नहीं आना चाहते। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ठहरो, यहाँ उपस्थित भद्रजनों ध्यान से सुनो। तुम सभी वर्ग के लोगों को यहाँ बुलाकर भोजन करवाने की लीला हमारी थी। जिस बालक ने रघु के घर में जन्म लिया है वह बहुत ज्ञानी
विद्वान एवं सच्चा ईश्वर भक्त है। वह पूर्व जन्म में संत कुमार नाम का ब्राह्मण था। श्रापवश उसका जन्म रघु के घर हुआ है। उसी की इच्छा थी आप सब लोग एक साथ सभी भेदभाव मिटाकर भोजन करें। बस उसी की इच्छा पूरी करने के लिए हमने ये लीला रची है। इसमें रघु का कोई दोष नहीं है। क्या माया थी यह कुछ पता ही नहीं चला। चलो शीघ्र स्नान करके पवित्र होते हैं। चलो हे ईश्वर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जी हमारा बेटा अब बड़ा हो चुका है। दिन रात साधु संतों की सेवा भजन कीर्तन में लगा रहता है। ऐसा करते हैं रविदास को गृहस्थी के बंधन में बांध देते। तुम ठीक कहती हो। एक बार रविदास के ऊपर गृहस्थी का बोझ पड़ जाएगा तो वह साधु संतों की संगत भी छोड़ देगा। ईश्वर करे ऐसा ही हो। देखिए जी आज आप मौका देख के बात जरूर कर लीजिएगा। तुम चिंता मत करो मैं रविदास से बात करूंगा। पिताजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। माताजी प्रणाम। बेटा मैं तेरी माँ जरूर हूँ लेकिन तेरा स्थान इन चरणों में नहीं मेरे हृदय में है। माताजी। बेटा तू कहाँ साधु संतों के संग चला जाता है। तुम्हें देखने के लिए मेरी आँखें तरस गईं। तुम्हारे बिना ये घर सोना सोना लगता है। पिताजी आप लोगों के बिना मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगता। आप लोग मेरे दिल से कभी जुदा नहीं थे। मेरा शरीर वहाँ जरूर था लेकिन मेरा मन मेरी आत्मा यहीं आप दोनों के चरणों में थी। पिताजी जैसे आपको मेरे बिना ये घर सुना सुना लगता है ना मुझे तो आप दोनों के बिना ये संसार ही सुना सुना लगता है। बस बस अब ज्यादा भावुक ना बन। तुम्हें हमारा इतना ही ख्याल है तो हमें छोड़ के जाता ही क्यों है। चल तेरी पसंद का भोजन बनाया है। हाँ माँ जल्दी से भोजन करा बहुत जोरों से भूख लगी है और वैसे भी बहुत दिन हो गए तेरे हाथ का भोजन किए हुए। चल माँ चल। बेटा अब तुम बड़े हो गए हो भविष्य के बारे में क्या सोचा है तुमने। पिताजी साधु संतों की सेवा से मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है बस उसी से लोगों का सच्ची भक्ति के प्रति मार्गदर्शन करूं और ये समाज में जाति पाति छोटे बड़े ऊंच नीच का भेदभाव है इसको मिटाने की कोशिश करूंगा और अपने प्रभु राम की सेवा करूंगा। इसका मतलब ये है कि हमारा तुम पर कोई अधिकार नहीं। तुम्हारे जीवन पर साधु संतों और प्रभु राम का ही अधिकार है जिसे कभी किसी ने देखा तक नहीं। नहीं नहीं पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं। मेरे ऊपर सबसे पहला अधिकार आप लोगों का है और रही बात प्रभु राम को देखने ना देखने की तो वो तो सब जगह हैं। उन्हें तो मैं आप में भी देखता हूँ मगर आप क्यों चिंता करते हैं पिताजी। मेरे भविष्य के बारे में आप लोगों ने जो कुछ भी सोचा है मैं हर हाल में आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं बेटा। देखो रविदास अब तुम शादी के योग्य हो गए हो। मेरी और तुम्हारी माँ दोनों की इच्छा है कि तुम्हारी शादी करके तुम्हारी गृहस्थी बसा दें। देखो बेटा इनकार मत करना लेकिन तुम चाहो तो अपना विचार बता सकते हो। मुझे लगता है आप लोग निर्णय कर चुके हैं तो फिर विचार की क्या आवश्यकता है। विचार तो निर्णय से पहले किया जाता है। लेकिन पिताजी मैं आपसे एक बात जरूर जानना चाहूंगा। हाँ क्यों नहीं बोलो क्या जानना चाहते हो। पिताजी क्या मनुष्य जीवन सिर्फ गृहस्थी बसाने के लिए प्राप्त होता है। क्या हमारा समाज और प्रभु के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं। पिताजी मनुष्य गृहस्थी के चक्कर में फंसकर प्रभु के उस मकसद को क्यों भूल जाता है जिसके लिए प्रभु ने हमें यह सुंदर शरीर प्रदान किया है। बेटा तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मनुष्य जीवन केवल गृहस्थी बसाने के लिए नहीं प्राप्त होता है परंतु उसी प्रभु ने गृहस्थी बसाने की लीला भी रची है और उसे पूरा करना भी तो हमारा कर्तव्य है। मुझे तो सिर्फ ये पता है कि मुझे हर हाल में आप लोगों की आज्ञा का पालन करना है और मैं अपने जीते जी आपकी हर आज्ञा का पालन करता रहूंगा। हमें तुमसे यही उम्मीद है बेटा।
पिताजी। कहाँ थे रात भर? जी वो पास वाले गांव में प्रभु का सत्संग चल रहा था, वहीं गया था। प्रभु की भक्ति में ऐसा मग्न हुआ, पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। देखो रविदास, बहुत हो गया तुम्हारा ये सत्संग। सत्संग से गृहस्थी नहीं चलती। गृहस्थी चलाने के लिए काम करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है। जब तक तुम अकेले थे तब तक तो ये सब ठीक था, लेकिन अब तुम एक नहीं दो हो गए। अपनी धर्म पत्नी का पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य। मैं चाहता हूँ कि कम से कम हमारे काम में तुम अपना हाथ बटाओ। मैं अब और तुम्हारा पालन पोषण नहीं कर सकता, अपनी जिम्मेदारी तुम स्वयं उठाओ। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी, आप मेरा पालन पोषण नहीं कर सकते? पिताजी आप अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। ये बात तब तो ठीक थी जब आपका बेटा कोई गलत काम कर रहा होता, आपने तो मुझे झकझोर कर रख दिया है अच्छे काम का ये फल। वैसे एक बात आपको बता दूं पिताजी, आप मेरा पालन पोषण नहीं कर रहे, बल्कि आपके रूप में प्रभु राम मेरा पालन पोषण कर रहे हैं। बंद करो अपना ये प्रवचन। तुम अगर मेरे काम में हाथ नहीं बटा सकते और साधु संतों के साथ यूं ही घूमते फिरना है तो तुम इस घर में भी नहीं रह सकते। तुम्हें हमसे अलग रहकर अपना जीवन व्यतीत करना होगा। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? जो भी मुँह में आ रहा है बोले चले जा रहे हैं। माँ शायद पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने मेरे भविष्य के बारे में जो भी फैसला किया है ठीक ही किया होगा। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करूं और अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारी खुद उठाऊं। पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पीछे पड़ी खाली झोपड़ी में रह सकता हूँ। ठीक है, परंतु मुझसे किसी और चीज की उम्मीद मत करना। नहीं करूँगा पिताजी, आज के बाद आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। माँ अच्छा माँ, अपना और पिताजी का ध्यान रखना। माँ पिताजी का ध्यान रखना। भाग्यवान चलो। नहीं बेटा नहीं, मैं छोड़ के मत जा। भाई रविदास जी परेशान मत होइए, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मौसी 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 सब ठीक है ना? अरे बेटा रविदास रविदास, अरे मुबारक हो, तुम पिता बन गए हो। हाँ। तुम्हारे बेटा हुआ है, अब जरा जल्दी इनाम उनाम तो लाओ। हाँ हाँ मौसी, क्यों नहीं, ये लो मौसी, ये लो मौसी, ये लो मौसी। क्या मैं अपने पुत्र को देख सकता हूँ? अरे नहीं रे, अभी नहीं। अच्छा जा जाकर देख ले, तुम नहीं देखोगे तो कौन देखेगा? बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह हुआ है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। मौसी मौसी आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मौसी मौसी आपके इन हाथों से मेरे वंश का जन्म हुआ है। मौसी बहुत बहुत धन्यवाद मौसी बहुत। अरे चल पगले चलती हूँ। अच्छा भाई रविदास जी मैं भी चलूँ? ठीक है, मिठाई खाने फिर आऊंगा। ठीक है भाई। तुम दोनों ठीक हो ना भाग्यवान? जी हाँ, बहुत बहुत बधाई हो, आप पिता बन गए। बधाई की असली हकदार तो तुम हो भाग्यवान, अगर तुम ना होती तो मुझे पिता होने का गौरव ना मिल पाता। तुम्हें भी माँ बनने की बहुत बहुत बधाई। एक बच्चे के जन्म लेने से कैसे रिश्तों का विस्तार हो जाता है। कल तक हम दोनों पति पत्नी थे, आज माँ बाप बन गए हैं। भाग्यवान प्रभु की लीला भी अपरंपार है, बच्चा एक देता है और रिश्ते अनेक जोड़कर भेजता है। भाग्यवान तुमने प्रभु के इस प्रसाद का कुछ नाम तो जरूर सोचा होगा। हाँ सोचा है, बताओ ना क्या सोचा है। मैंने सोचा था कि अगर हमारे घर पुत्र पैदा होगा तो उसका नाम विजयदास रखेंगे। अति उत्तम अति उत्तम, बड़ा ही सुंदर नाम है। तो आज से हम अपने पुत्र को विजयदास कहकर पुकारेंगे। विजयदास विजयदास। प्रभु जी
जीवन हम मोरा प्रभु जी, तुम घन बन हम मोरा। जैसे चित्तवत चांद चकोरा, जैसे चित्तवत चांद चकोरा प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी हम बाते। जाँ की जोत बरे दिन राती, जाँ की जोत बरे दिन राती प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी। हमारी जूती टूट गई है, क्या तुम इसे ठीक कर दोगे? हाँ हाँ शास्त्री जी, क्यों नहीं, अरे यही तो मेरा काम है, लाइए दे दीजिए। लीजिए शास्त्री जी, आपकी जूती ठीक हो गई। कितने पैसे हुए? जो मन करे दे दीजिए। ये लो शास्त्री जी, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? जो पूछना है जल्दी पूछो, हमारे पास समय नहीं है। आप लोग इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? आज पूर्णिमा है, इसीलिए हम सब लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं। गंगा माँ के चरणों में दान पुण्य करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। परंतु तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? आप लोगों को देखकर मेरे मन में ख्याल आया था कि आप लोग जरूर किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं। अगर आप लोग मेरा भी एक काम कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। करने योग्य होगा तो अवश्य करेंगे, जल्दी बताओ
क्या काम है? शास्त्री जी, आज बड़ा शुभ दिन है और आज के दिन मैं भी चाहता हूँ कि कुछ दान पूर्ण करके गंगा माई का आशीर्वाद प्राप्त करूँ। शास्त्री जी, मेरी तरफ से ये दमड़ी गंगा माई को अर्पण कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, दे देंगे, लाओ। ये क्या अंधाधुन कर रहे हो? ज्ञानी होकर अज्ञानी जैसा काम करते हैं? क्यों, क्या हुआ? राम राम, आंखें होते हुए भी अंधोजे की बात कर रहे हैं। ये छोटी जाति से है, अगर इसकी छुई हुई दमड़ी आपने छू ली तो आप भी अपवित्र हो जाएंगे। गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद भी पवित्र नहीं हो पाएंगे। राम 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 राम। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। सुनो, तुम अपने दमड़ी इस पत्थर पर रख दो। जैसी आपकी आज्ञा। ओम अपवित्राय पवित्राय नमः। हाँ, अब ठीक है, अब आप इसे छू सकते हैं। ठीक है, चलो। शास्त्री जी, एक प्रार्थना और थी। आप क्या है? शास्त्री जी, अगर गंगा माई स्वयं हाथ बढ़ाकर मेरी ये भेंट स्वीकार करें तभी दीजिएगा, अन्यथा मत दीजिएगा। अगर स्वीकार करें तो बोल दीजिएगा ये तेरे भक्त रविदास ने भेजी। ठीक है भाई, हम ऐसा ही कर देंगे। चलो चलो चलो। जय हो गंगा मैया की। हे माँ, तू अपनी कृपा सदा हम पे बनाए रखना। माँ, यदि हमसे कोई पाप हो जाए तो अपने इस पावन जल से उसे धो डालना। माँ, हे माँ, तू अपनी शरण में हमें सदा रखना। माँ, जय हो गंगा मैया। अरे मित्र, आप कुछ भूल रहे हैं क्या? अरे वही शूद्र जिसे आपने अपनी जूती ठीक करवाई थी, उसकी दी हुई दमड़ी। अरे उसने कहा था कि स्वयं गंगा माता हाथों से स्वीकार करे तो देना, अन्यथा नहीं। पागल कहीं का। अरे भाई, याद आया, याद आया। यही दमड़ी ना? हाँ हाँ हाँ। हे गंगा मैया, ये दमड़ी उस शुद्ध रविदास ने आपको भेंट करने के लिए दी है और ये भी कहा है यदि आप स्वयं अपने हाथों से इसे स्वीकार करें तो ही हम आपको दें। जय हो गंगा मैया। अरे गुरुजी, आप भी क्या उस शूद्र की बातों में आ गए? भला ऐसा भी कहीं हो सकता है कि स्वयं गंगा माँ अपने हाथों से उस शूद्र की भेंट स्वीकार करे? अरे जब हम लोग शूद्र की दी हुई चीज नहीं लेते तो ये गंगा मैया कैसे लेंगी? मैं काम करता हूँ, ये दमड़ी मैं अपने पास रख लेता हूँ, मेरा आने और जाने का खर्चा निकल जाएगा। आज दान और पुण्य में बहुत खर्चा हो गया है। ठीक है भाई, इस दमड़ी को तुम ही रख लो, अब चले। चलो भाई, ठहरो, इधर लाओ। मेरे भक्त रविदास की दी हुई भेंट मुझे दे दो, मैं अपने भक्त की भेंट स्वीकार करती हूँ। मैं अपने भक्त की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। लाओ वो दमड़ी मुझे दे दो। और सुनो, ये कंगन मेरी ओर से मेरे भक्त को दे देना और कहना मैंने उसकी भेंट स्वीकार कर ली। चलो भाई, चलो यहाँ से जल्दी चलो। ये मुझे लगता है ये जरूर उस शूद्र का फैलाया कोई माया जाल है। चलो गुरुजी, हमारी आंखों ने जो देखा और हमारे कानों ने जो सुना, क्या वो सच था? वो तो एकदम सच था, किंतु ये बिल्कुल सच नहीं था कि गंगा माँ ने स्वयं अपने हाथों से उस शुद्ध रविदास की भेंट स्वीकार की। और मुझे तो लगता है ये शुद्ध रविदास कोई बहुत बड़ा मायावी है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मैं अपनी आंखों और कानों पर अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, इस तरह के मायावी चमत्कार दिखाकर उस शुद्ध रविदास को क्या प्राप्त होगा? प्रसिद्धि। हाँ हाँ, प्रसिद्धि। वो यही चाहता है कि हम उसके इस माया जल को चमत्कार समझें।
तो आगे की कहानी मेरी पूरी तरह से समझ में आ गई। वो शूद्र यही चाहता है कि उसके इस चमत्कार की चर्चा हम पूरे राज्य में करें, जिससे राज्य के भोले भाले लोग उसे गंगा माँ का सच्चा भक्त समझकर उसकी पूजा करने लगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस कंगन का क्या करें? अरे करना क्या है, दे देते हैं शूद्र को। राम राम, कैसी मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं। ऐसा करते हैं, इस कंगन को महाराज के पास लेके चलते हैं, वो जरूर हमें इस कंगन के बदले में उचित इनाम देंगे। यही ठीक रहेगा। तो चलो महाराज के पास चलते हैं, लेकिन उस रविदास के बच्चे से क्या कहेंगे हम? अरे हम उसके घर के सामने से ही नहीं जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, और वो इतना अंतर्यामी तो है नहीं। अरे उससे तो पता भी नहीं चलेगा कि गंगा माँ ने उससे देने के लिए कोई कंगन दिया भी है या नहीं। और देखो ये कंगन गंगा माँ ने स्वयं अपने हाथों से हमें दिया है, इसलिए इस कंगन पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है। तो चलिए ये तय हुआ कि कल हम सब महाराज के पास चलते हैं, और कल हम सब लोग डी बाबा वाले पेड़ के नीचे मिलते हैं। जय हो डी बाबा की। नहीं विश्वनाथ जी अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे तो लगता है कि इनाम के बारे में सोचकर गुरुजी सारी रात सोए ही नहीं होंगे। तो आ गए विश्वनाथ जी, देर से आए पर दुरुस्त आए। क्या बात है भाइयों, आप लोग रात को घर नहीं गए क्या? अगर घर चले जाते तो धनवान कैसे बनते। चलिए जरा जल्दी चलिए, हमें राजमहल पहुंचने में कई देर ना हो जाए। चलिए चलिए चलिए। ये कौन सी माया है शूद्र रविदास की? गुरु जी इस पर ध्यान मत दीजिए, मत तली गली पकड़िए और निकल लीजिए। चलो शाही बाग तक तो आ गए। गुरु जी आप ही बार बार पीछे मुड़कर क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो देख रहा था अपने वो गुरु हरिशंकर जी कहाँ रह गए। लगता है वो डर गए और घर गए। कहीं का चलो महाराज से मिलते हैं। अरे भाई द्वारपाल, हम लोगों को महाराज से अभी मिलना है। अभी सूचना देता हूँ। रुको, पंडित जी के लिए सूचना की कोई आवश्यकता नहीं है, इन्हें महाराज से अभी मिला देते हैं। आइए चलो भाइयों। चलो चलो महाराज, महारानी की जय हो। महाराज पंडित विश्वनाथ जी आपसे मिलने आए हैं। ठीक है आने दो। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराजा काशी नरेश और महारानी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप लोग हमसे इतनी सुबह सुबह क्यों मिलना चाहते हैं? महाराज मैं बताता हूँ, हमें हमारी वर्षों की भक्ति से जो फल प्राप्त हुआ है वो हम आपको भेंट करना चाहते हैं। वर्षों की भक्ति का फल? हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। अगर भक्ति का फल आप लोगों को मिला है तो उसे आप हमें क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि महाराज ये हमारे किसी काम का नहीं, ये तो सिर्फ महारानी जी के योग्य है। ये तो वास्तव में बहुत अद्भुत कंगन है, लेकिन ये तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? महाराज ये कंगन हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं गंगा माँ ने भेंट स्वरूप हमें दिया है। क्या कहा, स्वयं गंगा जी ने आप लोगों को यह कंगन दिया है? सच महाराज यह तो बड़ा अद्भुत कंगन है, इसने तो हमारा मन मोह लिया है। लेकिन इस एक कंगन का हम क्या करेंगे? इनसे कहिए इसके साथ का एक और कंगन लाकर दे। सुन लिया विश्वनाथ जी, अब आप लोग पूजा
और भक्ति करके गंगा माँ से हमें इसमें का दूसरा कंगन भी ला कर दें, हम आपको मुंह मांगा इनाम देंगे। क्षमा करें महाराज, लेकिन इसमें का दूसरा कंगन हम आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? हमारी आज्ञा का उल्लंघन करने की तुम्हारी हिम्मत? असल में महाराज, ये कंगन गंगा माँ ने हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें नहीं दिया, बल्कि उस शूद्र रविदास की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भेंट करने के लिए दिया है। क्या कहा? गंगा माँ ने स्वयं ये कंगन रविदास को भेंट करने को दिया है? हमें यकीन नहीं हो रहा, हमें सारी घटना विस्तार से बताओ। बताता हूँ। महाराज, हमने सोचा कि वो शूद्र रविदास इस सोने के कंगन का क्या करेगा, और बस इनाम पाने के चक्कर में इसे लेकर आपके पास चले आए। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, ऐसा तो आज तक कभी सुनने में नहीं आया। कल हम स्वयं रविदास जी से मिलने उनके घर चलेंगे, और आप सबको भी हमारे साथ वहाँ चलना होगा। अपनी छाया में भगवान बिखा ले मुझे, अपनी छाया में भगवान बिठा ले मुझे, मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे, मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे। मुझे गम का न गम न खुशी की खुशी, मुझे गम का न गम न खुशी की खुशी, है अंधेरा भी मेरे लिए अब रोशनी, भूल जाऊं तो जग से उठा ले मुझे, भूल जाऊं तो जग से उठा ले मुझे, मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे, मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे। देख कर मैं किसी की खुशी ना जलूं, देख कर मैं किसी की खुशी ना जलूं, राह इंसानियत की हमेशा चलूं, मैं जीऊं जब तलक आजमा ले मुझे, मैं जीऊं जब तलक आजमा ले मुझे, मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे, मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे। अपनी छाया में भगवान बिठा ले मुझे, अपनी छाया में भगवान बिठा ले मुझे, मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे, मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे, मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे। भाई रविदास, रविदास! क्या हुआ भाई? आपके घर काशी नरेश आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, रविदास जी, रविदास जी, महाराजा काशी नरेश आपसे मिलने आ रहे हैं। उससे मिलने आ रहे हैं? पर क्यों? महाराज की जय हो। महाराज, आपने आने का कष्ट क्यों किया? अगर मुझसे कुछ अपराध हुआ है तो मुझे बुलावा भेज दिया होता, मैं स्वयं हाजिर हो जाता। वाह ढोंगी वाह, बनकर अपना भोलेपन का नाटक। महाराज, इसके भोलेपन पर मैं चलूंगा, बहुत बड़ा ढोंगी और मायावी। तुम चुप रहो, हमारे सामने फिजूल की बात की तो जुबान कटवा देंगे। रविदास जी, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है जो तुम्हें हमारे समक्ष उपस्थित होना पड़ता। दरअसल हम यहाँ अपने स्वार्थ और लालच के कारण आए हैं, हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज?
मैं गरीब भला आपको क्या दे सकता हूँ। मैं तो जूते बनाकर चमड़े का छोटा मोटा काम करके बड़ी मुश्किल से अपनी गृहस्थी पालता हूँ। आप तो राजा हैं, आपकी कृपा से तो ना जाने कितने घरों के चूल्हे रोज जलते हैं। रविदास जी, हमें इसमें का दूसरा कंगन चाहिए जो केवल तुम ही हमें दे सकते हो। मैं इसमें का दूसरा कंगन मांगना हमारी मजबूरी है। इस कंगन ने हमारी महारानी का मन मोह लिया है। ये कैसे संभव है महाराज? भला मैं इसमें का दूसरा कंगन कैसे दे सकता हूँ? ये तो बड़ा मूल्यवान लगता है और मेरी ये हालत आपसे छुपी हुई नहीं है महाराज। रविदास जी, ये कंगन हमें तुम्हारी बदौलत ही प्राप्त हुआ है। मेरी बदौलत आपको ये कंगन प्राप्त हुआ है? महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। हम तुम्हें बतलाते हैं, ये कंगन तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं गंगा माँ ने तुम्हें भेंट स्वरूप इन लोगों के हाथों में दिया था। आप सच कह रहे हैं ना महाराज? क्या गंगा माई ने मेरी भेंट स्वीकार कर मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर ये कंगन भेंट स्वरूप मुझे प्रदान किया था? तेरा लाख लाख शुक्र है गंगा माँ, तेरे इस आशीर्वाद से तेरा ये रविदास भक्त तुल्य हो गया माँ, तुल्य हो गया। बंद कर अपनी ये नौटंकी, ये तो सब तेरा रचाया हुआ माया जाल है। मैं भला ऐसा किस लिए करूँगा? प्रसिद्धि पाने के लिए। खैरा छोटी जाति का तेरा समाज में कोई महत्व तो है नहीं, बस यही सोचकर तूने मायावी चमत्कार किए होंगे ताकि तेरा और तेरी जाति का समाज में कुछ सम्मान हो सके। परंतु तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। अगर तू सचमुच में गंगा माँ का सच्चा भक्त है तो गंगा माँ से दूसरा कंगन इसमें मंगा ले और महाराज को दे दे। गुरु जी, मायावी चमत्कार एक आध बार होते हैं, बार बार नहीं। महाराज चलिए यहाँ से, यहाँ आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैं चमत्कार दिखाने और देखने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि प्रभु की भक्ति सच्चे मन और पवित्र आत्मा से की जाती है। किसी की भक्ति को नीचा दिखाकर अपने को बड़ा साबित करना ये प्रभु के भक्तों को शोभा नहीं देता। तू हमें उपदेश मत दे, तू सचमुच में ही इतना बड़ा भक्त है तो चल गंगा के तट पर और कर दे महाराज की इच्छा पूरी। शास्त्री जी, अगर आप मेरी भक्ति की परीक्षा ही लेना चाहते हैं तो उसके लिए गंगा माई के तट पर जाने की क्या आवश्यकता है? क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं शास्त्री जी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। शास्त्री जी, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो गंगा माई को मेरी इस कठौती में से प्रकट होकर मेरी भक्ति की लाज रखनी होगी। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि गंगा माँ स्वयं तुम्हारे इस गंदे पानी से प्रकट होंगी और तुम्हारी भक्ति की लाज रखेंगी? किसी ने सच ही कहा, नीच आदमी हमेशा नीचा ही सोचेगा। तुम अपनी बकवास बंद करो। रविदास जी, हमें तुम्हारी भक्ति पर बिल्कुल भी संदेह नहीं। यदि तुम हमें दूसरा कंगन नहीं दिला सकते तब भी हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। नहीं महाराज, अब बात सिर्फ कंगन की नहीं, मुझ जैसे नीच जाति के भक्त की है। अगर मैं इस तरह हार गया तो मेरा मेरी जाति में जन्म लेना बेकार हो जाएगा और ये मेरी जाति के माथे पर कलंक होगा और मैं अपनी जाति के माथे पर कलंक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जाति, मेरा समाज, मेरे नाम को धिक्कारे, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। महाराज, मैं आपकी इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करता हूँ। आप आया हूँ पहाड़ के नीचे। बोलो भक्त रविदास, लो ये कंगन ले लो।
माँ की जाति को और छोटा होने से बचा लिया माँ। तूने मेरी लाज रख ली वरना तेरा ये भक्ति रविदास आज किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहता माँ। अरे जल्दी करो भाग्यवान, बहुत देर हो रही है। हाँ हाँ बस हो गया। पिताजी हम हलवा लेकर कहाँ जा रहे हैं? बेटा आज रामनवमी है, हम प्रभु राम का प्रसाद सारे गांव में बांटेंगे और फिर सत्संग करेंगे। पिताजी मुझे भी मंदिर ले चलो ना, मैं भी भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। बेटा भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है, भगवान तो सब जगह है, तुम में मुझ में सब में। और वैसे भी बेटा ये समाज बड़ा कठोर है, हम लोगों को छोटी जाति में जन्म लेने के कारण मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। मगर बेटा ये हमारा दुर्भाग्य नहीं, ये इस समाज का दुर्भाग्य है, क्योंकि हमें इस समाज में मिलाए बिना इस समाज का स्वरूप पूरा नहीं हो सकता। मगर तू चिंता मत कर बेटा, अगर तू मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करना चाहता है तो मैं तुझे मंदिर जरूर ले चलूंगा। लीजिए तैयार हो गया, कहाँ जा रहे हैं बाप बेटे? अरे भाग्यवान ये विजयदास मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करना चाहता है, बस इसे मंदिर लेकर जा रहा हूँ। चलो अच्छा है, बेटा साथ रहेगा तो बाप को ध्यान तो रहेगा कि घर भी जाना है। अरे तुम चिंता मत करो भाग्यवान, हम लोग समय से लौट आएंगे, चल बेटा। अरे सेठ जी प्रणाम। खुश रहिए सेठ जी, ये लीजिए प्रभु राम का प्रसाद। अरे तुम्हारे जैसे नीच जात का प्रसाद खाऊंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अरे अरे सेठ जी ये भला आपने क्या कर दिया, प्रभु राम के प्रसाद का अनादर कर दिया। सेठ जी आपको ये भी नहीं पता कि प्रभु राम के प्रसाद का क्या महत्व है। अरे ओ राम भक्त, मैंने भगवान राम के प्रसाद का अनादर नहीं किया है, मैंने तुम्हारे घर के बने हलवे का अनादर किया है, और तेरे घर का हलवा खाकर मुझे अपने धर्म को भ्रष्ट नहीं करना है। खाने रुचि नहीं, चले हैं राम का भात बांटने। प्रभु राम ही इन्हें सद्बुद्धि देंगे, इन्हें नहीं पता इन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है। हे प्रभु इनको सद्बुद्धि दो मेरे प्रभु, चल बेटा। जय श्री राम। अरे रविदास यहाँ? अरे ये तो मंदिर की तरफ ही आ रहा है, लगता है दर्शन के लिए आ रहा है। क्या एक अछूत का मंदिर में प्रवेश उचित है? नहीं बिल्कुल नहीं। वही तो, फिर हम क्या करें? हम उसे मंदिर में हरगिज नहीं घुसने देंगे। हाँ। खबरदार अब
आगे एक कदम भी तुमने बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शास्त्री जी, ये भला आप क्या कह रहे हैं? शास्त्री जी, आज रामनवमी है और मेरा बेटा भी प्रभु राम के दर्शन करना चाहता है। दर्शन करने की इच्छा है तो अपने घर पे जाके दर्शन करो। ये मंदिर तुम जैसे अछूतों के लिए नहीं है, ये मंदिर हमारा है, हमारे प्रभु श्री राम का। और फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मंदिर में प्रवेश करने की? यहाँ पे आके सारा मंदिर गंदा कर दिया। शास्त्री जी, मेरे आने से मंदिर अपवित्र नहीं हुआ है, बल्कि अपवित्र हुआ है आपकी छोटी सोच के कारण। और वैसे भी कौन कहता है कि हम लोगों को मंदिर में आकर प्रभु के दर्शन करने का अधिकार नहीं है? शास्त्री जी, प्रभु किसी एक जाति या धर्म के नहीं, प्रभु तो सबके हैं। और फिर आप अहंकार में आकर सच्चाई स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जिस परम पिता परमेश्वर की आप संतान हैं, उसी की हम भी हैं। और रही बात दर्शन करने की, तो शास्त्री जी सुन लीजिए, दर्शन तो मैं करके ही जाऊंगा, दर्शन करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। चल बेटा, चल बेटा, चल। तेरी ये हिम्मत कि तू अपनी बराबरी हम लोगों से कर रहा है, देख क्या रहे हो साथियों, मार के धक्के निकालने चाहिए यहाँ से। पिताजी, 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 चलो यहाँ से। पिताजी, मुझे भगवान के दर्शन नहीं करने। पिताजी, पिताजी, आप यहाँ से चलो। तू रो मत बेटा, प्रभु राम के दर्शन तो हम करके ही जाएंगे। चल बेटा, चल, चल आ बेटा, चल। रुक जा नीच, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखते क्या हो साथियों, इसे उठाओ और मंदिर से बाहर फेंक दो। ये लड़के, अगर अपने पिता की भलाई चाहता है तो ले जाए यहाँ से। पिताजी चलिए, पिताजी घर चलिए, मुझसे ही आपका अपमान देखा नहीं जाता। पिताजी, पिताजी घर चलिए। नहीं बेटा नहीं, ये लोग हमारा अपमान नहीं कर रहे, ये अपमान कर रहे हैं मानवता का, इंसानियत का। और बेटा, आज प्रभु राम को ये साबित करना पड़ेगा कि इन अभिमानियों में और हम में कोई अंतर नहीं, इंसान इंसान सब बराबर है। बेटा तू चिंता मत कर, बैठ जा, तू बैठ जा बेटा। कौन सा जुल्म गुजारा, मैंने कौन सा जुल्म गुजारा जो मुझसे किया है किनारा, मैंने कौन सा जुल्म गुजारा जो मुझसे किया है किनारा। तुम बिन किसको सुनाऊं, हे ईश्वर क्या बताऊं, अब तुम बिन किसको सुनाऊं, मेरा टूट गया है सहारा, मेरा टूट गया है सहारा, अब यहाँ कोई नहीं। भरे मेरे नाम, ओ दुनिया
साथ तुम्हारा मैंने कौन सा जुल्म गुजारा जो मुझसे किया है किनारा। तुम्हारा मैंने कौन सा जुल्म गुजारा जो मुझसे किया है किनारा। मैंने कौन सा जुल्म गुजारा जो मुझसे किया है किनारा। धन्य हो प्रभु धन्य हो तेरी लीला अपरंपार है प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। रविदास जी मुझे क्षमा कर दीजिए। कौन है आप? मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने आपके प्रसाद का निराजन किया था, मगर भगवान ने मुझे उसकी सजा दे दी है। जिस घृणा से मैंने आपको अपमानित किया था, आज उसी घृणा की दृष्टि से लोग मुझे देख रहे हैं। चलो अच्छा हुआ तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, और वैसे भी पश्चाताप से बढ़कर कोई सजा नहीं। हे प्रभु इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसको क्षमा कर दो मेरे प्रभु। जाओ प्रभु राम तुम्हें क्षमा करेंगे। मैं ठीक हो गया। प्रभु राम की जय, रविदास जी की जय। रविदास जी आप सही मायने में प्रभु जी के सच्चे भक्त हैं, वो लोग अज्ञानी हैं जो आपको पहचान नहीं रहे। मैं तो कुछ भी नहीं केवल उसका भक्त हूँ। चल बेटा चल। कोई उपाय कीजिए गुरुजी, क्यों हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ काम नहीं चलने वाला। यदि इस अछूत को रोका नहीं गया तो वो अपनी मायावी शक्ति दिखा दिखा कर लोगों को अपने वश में कर लेंगे, और ये अंधविश्वासी लोग उसे ईश्वर का सच्चा भक्त समझकर उसकी पूजा करने लगेंगे। और यदि ऐसा हुआ तो लोग हमें धक्के मार मार के राज्य से बाहर निकाल देंगे। मेरे होते ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने एक ऐसी योजना बनाई है कि वो शूद्र अपने सारे मायावी चमत्कार दिखाना भूल जाएगा। पर वो योजना क्या है जरा हम भी तो सुने। तो सुनो, हम महाराज के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि वो शूद्र अपने आप को सच्चा भक्त बताता है तो इसका प्रमाण वो राज्य के भरे दरबार में दे। पर क्या महाराज हमारी बात मानेंगे? उस शूद्र ने तो पहले से ही कंगन देकर महाराज को अपने वश में कर लिया है। महाराज को हमारी बात माननी ही होगी, क्योंकि बात जब राज्य धर्म और प्रजा के हित की हो तो प्रजा की ही बात माननी पड़ती है। पर हम महाराज से कहेंगे क्या? हम महाराज से कहेंगे कि वो शूद्र रविदास अपने झूठे चमत्कार दिखा दिखा कर लोगों को गुमराह कर रहा है, और वो ये सारे चमत्कार हम ऊंची जाति के लोगों को नीचा दिखाने के लिए कर रहा है। और यदि उस अछूत ने अपने आप को सच्चा भक्त साबित कर दिया तो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि चमत्कार कभी कभी होते हैं, बार बार नहीं। और फिर मेरी योजना ही ऐसी है। योजना क्या है महाराज, ये तो बताइए। योजना, हम महाराज से कहेंगे कि प्रभु राम की एक अच्छी मूर्ति सिंहासन पर रखवा दी जाए, और हर भक्त उसको अपनी भक्ति की शक्ति से अपनी ओर पुकारे। जिसके पास वो मूर्ति स्वयं चल के आ जाएगी वही सच्चा भक्त कहलाएगा। और अगर मूर्ति हमारे पास भी नहीं आई तो? असंभव, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों में से तो एक से एक बढ़कर विद्वान है, किसी ना किसी के पास तो वो मूर्ति अवश्य आएगी, क्योंकि हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है कि हम पूरे ब्रह्मांड को अपनी ओर खींच सकते हैं। तो फिर वह मूर्ति क्या है? और दूसरी बात कि हम सब इतने सारे एक साथ हैं, लेकिन वो शूद्र अकेला है। आ,
क्या योजना है? अलख निरंजन भाइयों, क्या आप मुझे रविदास जी के घर का पता बता सकते हैं? अबे ओ साधु के बच्चे, क्या हम तुझे शक्ल से शूद्र लगते हैं जो तू हमसे उस शूद्र का पता पूछ रहा है? बच्चा क्रोधित क्यों होते हो? मैं इस गांव के बारे में अनजान हूँ ना, है रविदास जी इसी गांव में रहते हैं? वो अछूत गांव में नहीं, गांव के बाहर अछूतों की बस्ती में रहता है। वहाँ चले जाओ, किसी से भी पूछो, सब उसके घर का पता जानते हैं। उन सबका तो भगवान है रविदास का बच्चा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा। अलख निरंजन, क्या सोच रहे हैं गुरुजी? मैं सोच रहा हूँ कि ये अजनबी साधु आखिर उस शूद्र से क्यों मिलना चाहता है। जरूर कोई खास बात होगी। शंकर दयाल, तुम उस साधु के पीछे पीछे जाओ और छुपकर सारी बातें पता करो कि वो आखिर उस रविदास से क्यों मिलना चाहता है। बाद में हम तुम्हें नदी के किनारे मिलते हैं। अलख निरंजन, रविदास जी। ओ रविदास जी। कौन है भाई? आया, अभी आया। प्रणाम महाराज। महाराज आप कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानते हैं? रविदास जी, प्रभु के सच्चे भक्तों को पहचान की कोई आवश्यकता नहीं होती, और आपकी भक्ति की चर्चा तो पूरे राज्य में है। मैं आपकी इतनी चर्चा सुनकर ही आपसे मिलने चलाया। ये तो आपका बड़प्पन है, आइए विराजिए। अलख निरंजन। प्रणाम महाराज। लीजिए महाराज जी, पहले कुछ जलपान ग्रहण कीजिए। अरे भाग्यवान, तुम ये क्या कर रही हो? भला महाराज हमारे घर का जलपान कैसे ग्रहण कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकता? महाराज शायद आपको पता नहीं, हम लोग बहुत छोटी जाति से हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रविदास जी? इतने बड़े ज्ञानी होकर अज्ञानी की तरह बातें कर रहे हो? छोटी जाति में जन्म लेने वाला मनुष्य क्या मनुष्य नहीं होता? महाराज आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन इस समाज में मनुष्य की पहचान उसके गुणों से नहीं, उसकी जाति से होती है, उसके कर्म से होती। समाज की इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा और एक ना एक दिन वो वक्त आएगा, जरूर आएगा। वाह वाह रविदास जी वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। बस तुम्हारे दर्शन करना चाहता था। वैसे तुम्हारी हालत देखकर मैं तुमसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ हाँ महाराज बोलिए। रविदास जी, मेरे पास एक पारस पत्थर है। ये एक ऐसा अनमोल पत्थर होता है जिसे यदि किसी लोहे की चीज से छुला दो वो सोना बन जाती है। देखो मैं तुम्हें इसका चमत्कार दिखलाता हूँ, और मैं चाहता हूँ तुम इसे अपने पास रख लो और इसका उपयोग करो। वैसे भी तो मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, मैं इसे लेकर कहाँ कहाँ घूमूंगा। मैं इसका ध्यान नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसका ध्यान रखूंगा तो मैं प्रभु का ध्यान नहीं कर सकूंगा। तुम कृपा करके मेरा ये बोझ कम कर दो और इसे अपने पास रख लो और अपनी दरिद्रता दूर करने में इसका उपयोग करो। ठीक है महाराज, अगर जरूरत पड़ी तो कर लूंगा। आप ऐसा कीजिए, अपनी इस अमानत को यहीं कहीं छप्पर में रख दीजिए, और हाँ याद रखिएगा कहाँ रख कर जा रहे हैं, यात्रा से वापस आकर वहीं से उठा लीजिएगा। रविदास जी। जी मैंने उसे खुरपे के पास रख दिया। ठीक है। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। अच्छा महाराज प्रणाम, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। कल्याण हो, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। अलख निरंजन। गुरुजी, गुरुजी, आप लोग अभी तक यहीं हो? अरे क्या बात है, और इस तरह से गला फाड़ फाड़ के क्यों चिल्ला जा रहे हो? अरे बात ही चिल्लाने वाली है, अगर आप सब सुनेंगे तो खुशी से उछल पड़ेंगे। अब ऐसी क्या खबर लेके आए हैं आप, बताएंगे भी या सिर्फ यूं ही पहेलियां बुझाते रहेंगे? ये समझिए कि हम सब की दरिद्रता दूर हो गई और हम सब के पास भी राजकोष से अधिक धन होगा। लगता है ये पागल हो गए हैं, जरूर उस रविदास ने इन पर कुछ जादू कर दिया है। वो अछूत मुझ पे क्या जादू करेगा। हाँ एक बात है कि उस अछूत की वजह से हम धनवान बन जाएंगे। धनवान कैसे गुरु? मैं बताता हूँ, वो साधु रविदास को पारस पत्थर देकर गया है और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ छिपा कर रखा है। यदि हम चाहे तो एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। वो कैसे गुरु? वो ऐसे
कि हम वो पारस चुरा लेंगे। पारस हमारे पास आने से हम धनवान तो बन ही जाएंगे, और वो साधु जब यात्रा से वापस आकर वो पारस रविदास से मांगेगा तो वो चोर साबित हो जाएगा। बेईमान और चोर साबित होने पर लोगों को उसके ढोंगी होने का पता चल जाएगा और बाकी का काम हम पूरा कर देंगे। तो अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, और सुनो, आज रात को पारस पत्थर हम लोग अपने कब्जे में कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। शंकर दयाल, हाँ। जाओ पारस निकाल लाओ। अभी लाया गुरुजी। ये रही हमारी भाग्य की पोटली। जरा देखे तो सही पारस होता कैसा है। क्यों नहीं खोलो खोलो इसे। कौन है भाई, कौन है भाई? अच्छा तो पारसी आप चलते भी हैं। देखो भाई, अभी आप कहीं मत जाइएगा, आप किसी की अमानत हैं। वो साधु महाराज आ जाएं, फिर घूम लीजिएगा। ऐसा करते हैं भाई, मैं आपको उसी स्थान पर रख देता हूं। सब संसार लीला अपरंपार, प्रभु जी तेरी गाता सब संसार। लीला अपरंपार, प्रभु जी तेरी गाता सब संसार। के भंडार तुम ही हो, जग के सर्जनहार तुम ही हो। माया के भंडार तुम ही हो, जग के सर्जनहार तुम ही हो। कर्णधार करतार तुम ही हो, अजर अमर साकार। लीला अपरंपार, प्रभु जी तेरी गाता सब संसार। पृथ्वी और आकाश गगन में प्रकाश तुम्हारा है हर जन में। पृथ्वी और आकाश गगन में प्रकाश तुम्हारा है हर जन में। नमस्कार प्रभु तेरे चरण में करता बारंबार। लीला अपरंपार, प्रभु जी तेरी गाता सब संसार। ब्रह्म हो तुम परित्राता, मुख अविनाशक सुख के दाता। पार ब्रह्म हो तुम परित्राता, मुख अविनाशक सुख के दाता। हर जन महिमा तुम्हारी गाता, अजर अमर साकार। लीला अपरंपार, रविदास
पूजा पाठ भजन कीर्तन के उपदेश देकर तू क्या साबित करना चाहता है? तेरे ढोंग काशी तक तो ठीक था, प्रयाग में नहीं चलेगा। और सुन, तू जिस जाति में पैदा हुआ है वही काम कर। ये पूजा पाठ भक्ति का काम हमारे ब्राह्मणों का है और हम ही करेंगे, क्यों भाइयों? हाँ। कौन कहता है भक्ति और पूजा पाठ का अधिकार सिर्फ आप लोगों को है? ईश्वर पर सबका बराबर अधिकार है। और फिर आप किस मुंह से मुझे ईश्वर की भक्ति करने से मना कर रहे हैं? माना मैं अछूत हूँ, लेकिन शास्त्री जी, कौन से शास्त्र में लिखा है कि हम अछूतों को प्रभु का नाम लेने का अधिकार नहीं है? शास्त्र, तू हमें शास्त्र मत सिखा। सदियों से यही चलता आया है कि मनुष्य अछूतों से प्रेम नहीं करते, तो कैसे संभव है कि भगवान तुमसे प्रेम करेंगे? जब हमारे दिल में तुम्हारे लिए जगह नहीं है तो भगवान के दिल में जगह कैसे हो सकती है? क्षमा करना शास्त्री जी, आपको अपनी तुलना ईश्वर से करना शोभा नहीं देता। इससे ही पता चल जाता है आप कितने ज्ञानी हैं। और रही बात प्रभु की भक्ति की, तो मेरा ये मानना है कि जितना अधिकार आप लोगों का है उतना ही हम अछूतों का भी है। हम भी उसी परमपिता परमेश्वर की संतान हैं जिसकी आप लोग हैं। तो ठीक है, तो आज ये बात साबित हो ही जाएगी कि प्रभु का सच्चा भक्त कौन है और पूजा करने का अधिकार किसको है, तुम्हें या हमें? शास्त्री जी, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपका मतलब नहीं समझा। विदास, हम अपना अपना सालिग्राम गंगा जी में बहाएंगे। जिस किसी का भी सालिग्राम नदी पर तैरेगा वही सच्चा भक्त होगा, वही प्रभु का आराधक होगा। क्षमा करे शास्त्री जी, मैं किसी भी तरह की शर्त लगाने के पक्ष में नहीं। जरा आप ही मुझे बताइए कि हम एक दूसरे को छोटा बड़ा साबित करने के चक्कर में प्रभु का इम्तिहान क्यों ले? आप लोग बड़े हैं, बड़े ही रहें, हम लोग छोटे हैं, छोटे ही ठीक हैं। इसमें शर्त लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन एक बात जरूर है, हमसे प्रभु की भक्ति करने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। अविनाश, आज यह सबके सामने बात साबित होकर आएगी कि प्रभु किसके हैं और भक्ति करने का अधिकार किसका है। अगर तुम ये बात साबित नहीं कर पाए तो याद रखना, आज के बाद भक्ति मत करना और अपनी जाति वालों को भी भक्ति करने से रोकना। क्या बोले, मैं और मेरे भाई लोग प्रभु का नाम लेना छोड़ दें? ऐसा कभी नहीं होगा शास्त्री जी, मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं था कि कोई इम्तिहान दूं। लेकिन बात अगर मेरी जाति की होने लगी है तो सुन लीजिए, मेरे जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर किसी दिन ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को मृत्यु दंड दे दूंगा। शास्त्री जी, चलिए जिस तरह का भी इम्तिहान लेना चाहते हैं ले लीजिए। तो निकालो अपना शालिग्राम और चलो तट की ओर। परंतु मेरे पास तो शालिग्राम नहीं। अगर आप लोग अनुमति दें तो मैं किसी भी पत्थर को शालिग्राम मानकर तैरा दूं। चलो ठीक है, किसी भी पत्थर को शालिग्राम मानकर गंगा जी में तैरा दो, चलो तट पर। चलिए तैराइए अपना शालिग्राम। पहले आप। हे ईश्वर, मेरी भक्ति की लाज रखना। है ये मनुष्य फिर कोई बुरी खबर लेके आया है। गुरुजी, समझो कि आपका दाना पानी खत्म और साथ में हमारा भी। क्या बक रहे हैं आप ये? मैं बक नहीं रहा हूँ, जो कुछ सुन के आया हूँ अगर आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या खबर सुन के आए हैं, कुछ बताएंगे भी? वो शूद्र रविदास इस नगर के लोगों का ही नहीं बल्कि आसपास के नगरों में भी चमत्कार दिखाकर लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं। वो भला क्या? शूद्र रविदास ने प्रयाग में अपने मायावी चमत्कार दिखाकर लोगों को अपना प्रशंसक बना लिया है। पहले तो उसकी जाति के लोग ही उसके साथ जुड़े थे, मगर अब तो अन्य जाति के लोग भी उसके साथ जुड़ गए हैं। लोग उसे ईश्वर का सच्चा भक्त समझने लगे हैं और ये हमारे भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। ये तो वाकई में सोचने वाली बात है। अरे इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, अब समय आ गया है कि हम अपने राम बाण का इस्तेमाल करें। हो दिया, महाराज काशी नरेश दरबार में पधार रहे हैं।
महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या बात है? महाराज, विश्वनाथ जी और उनके कुछ साथी आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें आने दो। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। कहिए विश्वनाथ जी, आप लोग हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? महाराज, आज हम आपसे ये जानने के लिए आए हैं कि हम लोगों को आपके इस राज्य में रहने का अधिकार है या नहीं। क्यों नहीं है विश्वनाथ जी? और वो कौन है जो आप लोगों को राज्य से निकालना चाहता है? क्षमा करें महाराज, यदि हमने उसका नाम बताया तो आप बुरा मान जाएंगे, क्योंकि वो आप ही का सर चढ़ाया हुआ है। कौन है हमारा सर चढ़ाया हुआ, जरा हमें भी तो पता चले। वो शूद्र रविदास। विश्वनाथ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? उस दिन हमने और आपने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि रविदास जी ईश्वर के कितने बड़े भक्त हैं। प्रभु की भक्ति के अलावा उन्हें दूसरी किसी चीज में कोई रुचि नहीं है। वो भला क्यों चाहेंगे कि आप लोग इस राज्य में ना रहें? क्षमा करें महाराज, रविदास जो दिखता है वो है नहीं। अरे वो कोई प्रभु का सच्चा भक्त नहीं है, वो तो केवल मायावी चमत्कार करता है एवं काला जादू दिखाता है, और इस बात को हम पूरे दरबार के सामने साबित भी कर सकते हैं महाराज। और यदि नहीं कर पाए तो? महाराज, अगर हम ये बात साबित नहीं कर सके तो अपनी हार मान लेंगे और उस शूद्र रविदास को पालकी में बिठाकर पूरे नगर में घुमाएंगे, और अगर वो हार गया तो उसे भी यही करना होगा महाराज। साथ ही उसे राज्य छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाना होगा महाराज। ठीक है, हमें तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। अब ये भी बता दो, तुम किस प्रकार अपनी बात सच साबित करोगे? महाराज, पहले उस रविदास को इस राज्यसभा में बुलवाया जाए और आगे की सारी बात हम उसकी उपस्थिति में ही आपको बताएंगे। ठीक है मंत्री जी, पूरे सम्मान के साथ रविदास जी को हमारे दरबार में शीघ्र उपस्थित कीजिए, और उनसे कहना ये हमारा हुक्म नहीं, हमारी प्रार्थना है। जो आ गया महाराज। संत रविदास की जय हो। कहिए आपने आने का कष्ट कैसे किया? रविदास जी, महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। महाराज ने मुझे दरबार में बुलाया है? सच मेरे लिए आज बड़े सौभाग्य का दिन है। चलिए भाग्यवान, मैं जरा महाराज के दर्शन करके आता। पर आप लौटेंगे कब तक? अरे जल्दी लौट आऊंगा भाग्यवान, चलिए चलिए जल्दी से। महाराज की जय हो। दरबार में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। महाराज, आज आपने दरबार में बुलाकर मुझे जो सम्मान प्रदान किया है उसके लिए मैं हमेशा हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। रविदास जी, हम क्षमा चाहते हैं जो आपको यहाँ इस तरह बुलवाना पड़ा। आपके यहाँ दर्शन करके हम धन्य हो गए। महाराज, मुझे इतना सम्मान मत दीजिए, मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं तो इस राजमहल की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। बताइए महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है? हम आपको कैसे बतलाएं रविदास जी कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलवाया है। दरअसल हम बड़ी दुविधा में फंस गए हैं। महाराज, आपकी दुविधा मैं दूर किए देता हूँ। रविदास, तुम्हें महाराज ने अपनी मर्जी से यहाँ नहीं बुलाया है, बल्कि हमारे कहने पर तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। परंतु मुझे इस तरह बुलवाने का कारण? कारण ये है रविदास कि आज तुम्हें इस भरे दरबार में सबके सामने अपनी सच्ची भक्ति का प्रमाण देना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं शास्त्री जी? भला कोई प्रभु की सच्ची भक्ति का इम्तिहान कैसे दे सकता है? प्रभु की सच्ची भक्ति तो सच्चे मन और पवित्र आत्मा से की जाती है। तो आप ही बताइए, कोई अपने सच्चे मन और पवित्र आत्मा को कैसे दिखा सकता है? और अगर मैं दिखा भी दूं, तो इस समय आपको नहीं दिखाई दे, क्योंकि आपकी आंखों पर अभी अभिमान का पर्दा पड़ा हुआ है। क्यों, अपनी मायावी चमत्कार दिखा सकते हो, अपनी भक्ति नहीं दिखा सकते? रविदास जी, जैसा कि तुमने अभी कहा कि प्रभु की भक्ति सच्चे मन और पवित्र आत्मा से होती है, तो ठीक है, अगर तुम सच्चे भक्त हो तो प्रमाण देने में हर्जी क्या है, और अगर तुम प्रमाण नहीं दे सकते तो हम सबको पालकी में बिठाकर पूरे नगर में घुमाना होगा, और साथ ही साथ ये नगर ये राज्य छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। शास्त्री जी, क्या बोले, मैं ये राज्य छोड़कर चला जाऊं? शास्त्री जी, हार मानकर तो मैं राज्य तो क्या ये दरबार छोड़कर भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ
तो ये मेरे प्रभु की सच्ची भक्ति की हार होगी और मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। शास्त्री जी बताइए बताइए किस तरह मेरी भक्ति का मुझे प्रमाण देना होगा। महाराज आपसे एक निवेदन है कि प्रभु राम की एक सुंदर सी मूर्ति यहाँ किसी ऊंचे स्थान पर रखवा दी जाए और हम दोनों अपनी भक्ति की शक्ति से उसे अपनी ओर पुकारेंगे और जिसके पास भी वो मूर्ति चल के आ जाएगी वही कहलाएगा प्रभु राम का सच्चा भक्त। कहो रविदास तुम्हें मंजूर है? जैसी आप लोगों की इच्छा। प्रभु राम ने शबरी के जूठे बेर खाकर ये साबित कर दिया था कि वो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं और हम सब उनके लिए समान हैं। और आज अगर मुझे दशरथ पुत्र श्री राम को अपनाने का मौका मिल रहा है तो मैं इस मौके को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। शास्त्री जी आप हर तरह से मुझसे बड़े हैं, सो पहला हक आपका बनता है, पहला प्रयत्न आप लोग कीजिए। विश्वनाथ जी ये तो सही कह रहा है, हम हर तरह से इससे बड़े हैं, इसलिए पहला हक तो हमारा ही बनता है। ठीक है विश्वनाथ जी, पहले आप कोशिश कीजिए। मंत्री जी श्री राम जी की मूर्ति की व्यवस्था की जाए। विश्वनाथ जी अब आप लोग अपना प्रयत्न प्रारंभ करें। हे प्रभु हमारे पास आ जाइए। आ जाइए ना प्रभु जी, हमारे पास आ जाइए। हे प्रभु मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, हमारी लाज बचा लो प्रभु। हे प्रभु हमारे पास आकर बता दो कि हम ही आपके सच्चे भक्त हैं और आप हमारे श्री राम हैं। हे प्रभु हमारे पास आकर ढोंगी और मायावी लोगों का मुंह काला कर दीजिए। हे प्रभु एक बार आ जाइए प्रभु, आ जाइए प्रभु, एक बार आ जाइए प्रभु, आ जाइए प्रभु। हे प्रभु आ जाओ प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु श्री राम हम आपके सच्चे भक्त हैं। हे प्रभु श्री राम आ जाइए, हे प्रभु आ जाइए प्रभु, हम आपके सच्चे भक्त हैं प्रभु, आना ही होगा आपको। हे प्रभु हमारी लाज बचानी होगी आपको, आ जाइए प्रभु। हे प्रभु, हे प्रभु श्री राम आज आपको हमारी लाज बचानी होगी प्रभु, आज आपको आना ही होगा, आ जाइए प्रभु। विश्वनाथ जी आपका प्रयत्न पूरा हो गया या अभी भी कुछ बाकी है? नहीं महाराज हो गया। अब आप कोशिश कीजिए रविदास जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी भक्ति हमारा विश्वास कम नहीं होने देगी। महाराज जैसी आपकी आज्ञा, अब तो आपकी और मेरी लाज प्रभु राम जी के ही हाथों में है। चक्रभुजी भगवान मोरी लाज है हाथ तिहारे, लाज है हाथ तिहारे। चक्रभुजी भगवान मोरी लाज है हाथ तिहारे, लाज है। जब जब पीड़ पड़ी है मुझ पर आकर करी है सहाई तूने, जब जब पीड़ पड़ी है मुझ पर आकर करी है सहाई तूने, प्रकट हो गए एक क्षण में प्रभु मेरी लाज बचाई है। और बिगड़े काज सवारे लाज है हाथ तिहारे, लाज है हाथ तिहारे, लाज है हाथ तिहारे, लाज है हाथ तिहारे। जल्दी से आओ मत देर लगाओ, प्रकट मूर्ति में हो जाओ। जल्दी से आओ मत देर लगाओ, प्रकट मूर्ति में हो जाओ।
अखियां प्यासी तेरे दर्शन की, मेरी लाज बचाओ, लाज है हाथ तिहारे। चक्रभुजी भगवान मोरी, लाज है हाथ तिहारे, लाज है हाथ तिहारे। संत रविदास जी की जय। प्रभु श्री राम जी की जय। संत रविदास जी की जय। प्रभु श्री राम जी की जय। संत रविदास जी की जय। प्रभु श्री राम जी की जय। संत रविदास जी की जय। प्रभु श्री राम जी की जय। संत रविदास जी की जय। प्रभु श्री राम जी की जय। रविदास जी आप धन्य हैं, धन्य हैं आप। आपकी भक्ति अपरंपार है। आज आपने सिद्ध कर दिया कि यदि सच्चे मन और पवित्र आत्मा से प्रभु को पुकारा जाए तो वो अपने भक्तों की लाज जरूर रखते हैं। चलिए विश्वनाथ जी, अब आप लोग शर्त के अनुसार रविदास जी को पालकी में बिठाकर पूरे नगर में घुमाएंगे। नहीं नहीं महाराज, उन लोगों को क्षमा कर दीजिए। वो लोग नहीं जानते उन लोगों ने क्या अपराध किया है। देखा विश्वनाथ जी, तुम में और रविदास जी में कितना फर्क है। तुम लोग हमेशा इन्हें नीचा गिराने की कोशिश में लगे रहते हो, और एक ये हैं जो जीत कर भी तुम्हारे लिए क्षमा चाह रहे हैं। अगर वास्तव में तुम लोग अपने किए पे पछता रहे हो तो अब भी वक्त है, क्षमा मांग लो इनसे। रविदास जी, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, अब भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं होगी। हमने आपकी भक्ति को ढोंग, पाखंड, मायावी, ना जाने क्या क्या कह के बुलाया, किंतु आपने तो सिद्ध कर दिया कि प्रभु की सच्ची भक्ति जो भी सच्चे मन और पवित्र आत्मा से करते हैं प्रभु उन्हीं के होते हैं, फिर वो चाहे किसी जाति के क्यों ना हो। हमें क्षमा कर दीजिए रविदास जी। शास्त्री जी, यूं क्षमा मांग कर अपने आप को शर्मिंदा मत कीजिए। सच मानिए, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप बड़े हैं, आपका फर्ज बनता है हमें सही रास्ता दिखाएं, ना कि गलत। और हाँ, आज के बाद कहीं भी कभी भी किसी भी परीक्षा के बीच में ईश्वर को मत लाना। महाराज आप मुझे इजाजत दीजिए, घर पर मेरा बच्चा मेरी राह देख रहा हूं। जैसी आपकी मर्जी रविदास जी। संत रविदास जी की जय। संत रविदास जी की जय। संत रविदास जी की जय। भाई रविदास को मेरा प्रणाम। प्रणाम भाई प्रणाम। इतने समय बाद इस भाई की याद कैसे आ गई? कितनी बार याद किया तुम्हें, लगभग हर रोज तुम्हारा जिक्र किया करता हूँ। कैसे हो तुम? अच्छा हूँ। बच्चे और भौजाई? वो सब भी ठीक हैं। अच्छा अच्छा, आओ आओ, कहो कैसे आना हुआ? भाई से मिलने की इच्छा हुई, सो चला आया। तुम्हारे ज्ञान, भक्ति और चमत्कारों के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं, इसलिए मैं भी तुम्हारे पास आ गया। कुछ ज्ञान मुझे भी दे दो। क्यों मजाक करते हो भाई, मैं भला तुम्हें ज्ञान दूंगा? अरे भाई, तुम तो ज्ञान का भंडार हो, भंडार। ये शायद मेरी भाभी है ना? तुमने ठीक पहचाना। अरे भाग्यवान, ये मेरे गुरु भाई कबीर दास जी हैं। जिस तरह हमारे यहाँ जाति पाति, छोटे बड़े और ऊंच नीच का भेदभाव है, उसी तरह मुल्तान में हिंदू मुसलमान का बड़ा भेदभाव है, और भाई कबीर आजकल इसी बुराई को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों भाई, मैं गलत तो नहीं कह रहा? भाई रविदास, तुम भला कैसे गलत हो सकते हो? अब यूं ही बातें करते रहोगे या इस भाई को जलपान को भी पूछोगे? मैं भी कितना पागल हूँ, भाई के आने की खुशी में सुधबुद्धि खो बैठा। माफ करना भाई। अरे भाग्यवान, जरा भाई कबीर के लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। जी अभी लाती हूँ। भाई मैं अभी आया। लो भाई, जब तक तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाए, ये जल पीकर अपनी आत्मा को शांत कर लो। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? अभी तो बोल रहे थे बड़ी जोरों से प्यास लगी, और जब पानी दे रहा हूँ तो पी नहीं रहे हो। पी लो भाई पी लो, ये जल तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करेगा। सोच रहा था सफर से आया हूँ, पहले हाथ मुंह धो लूँ।
फिर पानी पीऊंगा। हाथ मुंह किधर धोना है? इधर इधर सामने धो लो। अच्छा भाई, अब मुझे आज्ञा दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूंगा, थोड़ा कुछ खा लो, विश्राम कर लो, फिर चले जाना। नहीं भाई, देर हो चुकी है, घर पे बेटी अकेली है। जैसी तुम्हारी इच्छा, बात अगर बिटिया की है तो जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन जब भी इधर से गुजरो मिले बिना मत जाना। जरूर जरूर। अच्छा भाई, कपड़े धो रही हो बेटी? जी पिताजी। बड़ी देर कर दी आपने आने में। हाँ वाकई में देर तो बहुत हो गई, पर छोड़ बेटी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दे। पिताजी आप तो अपने गुरु भाई रविदास जी के यहाँ मिलने गए थे, तो क्या उन्होंने आपकी आवभगत नहीं की? ऐसी बात नहीं है बेटी, उन्होंने तो बहुत ही आग्रह किया, पर मैंने ही कुछ नहीं खाया पिया। कोई बात नहीं पिताजी, आप स्नान कर लीजिए, स्नान करने से आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी, तब तक मैं आपके लिए खाना बना लूंगी। ठीक है बेटी, ठीक है। बेटी ये मेरी धोती थोड़ी मैली हो गई है, इसे साफ कर दे। जी पिताजी। हाँ मैं नहाकर आता हूँ। जी ये क्या कर रही हो बेटी, मैंने तुम्हें कपड़े धोने के लिए दिए थे और तुम इसे मुंह से साफ कर रही हो। पिताजी आपकी धोती पर कुछ मिट्टी के दाग लगे हुए थे और जब मैं इसे धोने गई तो ये दाग धुले ही नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस दाग को अपने मुंह से साफ कर दूं। पर पिताजी जैसे ही मैंने दाग वाली धोती मुँह में डाली, पिताजी मेरे सामने रविदास जी की छवि प्रकट हो गई पिताजी, और जैसे 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 मैं इस धोती को चूस रही हूँ पिताजी, मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो रही पिताजी, मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो रही पिताजी, मेरी आत्मा शांत हो गई पिताजी, मेरी आत्मा शांत हो गई पिताजी। गुरु रविदास जी बहुत ज्ञानी संत है पिताजी। किस सोच में पड़ गए, पी लो भाई पी लो, ये जल तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करेगा। तू बड़ी किस्मत वाली है बेटी, तू बड़ी किस्मत वाली है। मैं भागा, मुझे अमृत मिला, मैं उसे गंदा पानी समझकर गिरा दिया, उसी पानी का इस धोती पर दाग पड़ा जिससे तुझे ज्ञान शक्ति प्राप्त हुई। मैं कितना भागा, कितना भागा। बहन कमली प्रणाम, लेकिन आप कौन? हाव भाव से तो आप कहीं की राजकुमारी लगती है। बिल्कुल सही पहचाना तुमने, मैं महाराज राणा संगर की पुत्र की विधवा हूँ, परंतु मैं किसी राजघराने की बहू की हैसियत से तुमसे मिलने नहीं आई हूँ। इतने बड़े राजघराने की बहू को मेरे पास आने की जरूरत कैसे आन पड़ी? बहन मैं अपना संपूर्ण जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करना चाहती हूँ, मुझे ऐसे गुरु की तलाश है जो प्रभु भक्ति में सही सही मार्गदर्शन कर सके। मैं तुम्हारे भक्ति ज्ञान की चर्चा सुनकर ये सोचकर तुम्हारे पास आई हूँ कि शायद तुम मेरी कुछ मदद कर सको। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें आत्मज्ञान किस गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ? मुझे आत्मज्ञान गुरु रविदास जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। संत रविदास जी के बारे में सुना तो बहुत है, परंतु आज तक उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। बहन क्या तुम संत रविदास जी से मेरी भेंट करा सकती हो? जी मैं स्वयं आज तक गुरु जी से नहीं मिली, पर उनसे मिलने की बहुत चाहत है। तो फिर तुम्हें आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, तुम मुझे बता सकती हो? मेरे पिताजी और गुरुजी आपस में गुरु भाई हैं,
एक बार मेरे पिताजी गुरुजी से मिलने उनके घर पे गए। क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। वाह, ऐसे ज्ञानी संत के दर्शन की मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही है। बहन, तुम कुछ भी करो, कैसे भी करो, उस ज्ञानी संत के दर्शन मुझे अवश्य करा दो। बेटी, थोड़ा पानी मिलेगा? अवश्य। ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। अरे गुरुजी, तुम कौन हो पुत्री और मुझे गुरु कहकर क्यों पुकार रही हो? गुरुजी, मैं आपके गुरु भाई कबीरदास जी की पुत्री हूँ। अरे अरे, तुम कबीरदास की पुत्री, कमाली हो। रविदास जी, आप कौन हैं? गुरुजी, मेरा नाम मीरा है। मैं महाराज राणा सांगा के पुत्र की विधवा हूँ। मैं आप ही की तलाश में बहन कमाली के पास आई थी, परंतु ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप स्वयं यहाँ आ गए। आपको मेरा प्रणाम। आप किस कारण मुझसे मिलना चाहती थी? गुरुजी, मैं अपना सारा जीवन प्रभु भक्ति में बिताना चाहती हूँ। मुझे ऐसे गुरु की तलाश थी जो मेरा सही मार्गदर्शन कर सके। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? मेरा मतलब है, क्या आप मेरे गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन करेंगे? मैं भला आपका क्या मार्गदर्शन करूँगा? आप तो स्वयं श्री कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त हैं, आपका मार्गदर्शन तो स्वयं श्री कृष्ण करेंगे। आपकी भक्ति की कीर्ति तो सारे संसार में फैलेगी। सच्ची भक्ति में आपका बहुत बड़ा नाम होगा। आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, जिस तरह आपने मुझे पानी पिलाकर मेरी आत्मा को शांत किया है, उसके लिए मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ। तुम्हें इसी से हर ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तुम सच्चे मन से एकाग्र होकर बिना किसी की चिंता किए श्री कृष्ण की भक्ति करती रहो। तुम्हारे लिए ये रविदास का वचन है। तुम्हारी कीर्ति सारे संसार में फैलेगी। कृष्ण भक्ति में तुम्हारा बहुत बड़ा नाम होगा, बहुत बड़ा। मैं समझ गई। मैं आज और अभी से आपको अपना गुरु मानती हूँ। आपने आज जो मेरा मार्गदर्शन किया है, मैं इसी मार्ग पर चलकर अपना सारा जीवन व्यतीत कर दूंगी। गुरुजी, आपसे एक प्रार्थना है, आप हमारे साथ राजमहल चलिए और वहाँ कुछ दिन निवास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करता हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि शरीर त्यागने से पहले एक बार तुम्हारे महल में अवश्य आऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जीवन में कभी भी किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो हमारे महल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, पर एक चीज की आवश्यकता अभी ही है। बोलो, किस चीज की? बहन, अब हम दोनों गुरु बहने हैं, तो आपको एक बार गले लगाने की इच्छा हो रही है? अवश्य। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। प्रणाम। महारानी जी की जय हो। कहिए मंत्री जी, इस समय कैसे आना हुआ? महारानी जी, महाराज ने आपको अभी बुलाया है। जी, आपने मुझे याद किया? मीरा, हमारे सुनने में आया है तुमने किसी अछूत को अपना गुरु बनाया है। मैंने संत रविदास जी को अपना गुरु बना लिया है। मीरा, तुम ये साधु संतों का चक्कर छोड़कर राज्य के कार्य में हाथ बटाओ, ये हमारा हुक्म है। मैंने अपना सारा जीवन प्रभु श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया है। कृपया आप मुझे राजपाट के मुंह में मत बांधिए। मीरा, यदि तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो ये हम भूल जाएंगे कि तुम हमारी पुत्र वधु हो। पिताश्री, आप जो उचित समझे कीजिए, पर मुझे आज्ञा।
मंत्री। जी महाराज। इससे पहले कि मीरा के वजह से हमारी जग असाई हो, हम मीरा की जीवन लीला ही समाप्त कर देंगे। मैं आपका मतलब नहीं समझा महाराज। जाओ। रविदास जी कैसे हो? अरे अरे साधु महाराज, प्रणाम साधु महाराज। दरअसल मैं अपने कार्य में इतना व्यस्त था आपके आने का पता ही नहीं चला। कहिए आपकी यात्रा कैसी रही? यात्रा तो ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी रही, परंतु तुमसे दोबारा मिलके मुझे प्रसन्नता नहीं हुई। मुझसे मिलकर प्रसन्नता नहीं? मुझसे कोई गलती हो गई क्या महाराज? अगर ऐसा है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं रविदास जी नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, तुम बात को गलत समझ रहे। दरअसल 14 माह पहले मैं तुम्हें तुम्हारी दरिद्रता दूर करने के लिए एक पारस पत्थर दे गया था, लगता है तुमने उसका प्रयोग नहीं किया। कहाँ है वो पारस? महाराज जहाँ आप रख गए थे वहीं रखा होगा, और रही बात प्रयोग करने की, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। मेरे लिए तो प्रभु राम और उनकी भक्ति पारस से भी बढ़कर है। रविदास जी धन्य हो तुम और तुम्हारी भक्ति, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। तुमने पारस का उपयोग न कर ये साबित कर दिया कि ईश्वर को किस हद तक चाहा जा सकता है। इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैं चलता हूँ। ठहरिए महाराज, आप अपनी कोई अमानत भूल रहे हैं क्या? अरे वही जिसे आप पारस कहते हैं। आप विराजिए महाराज, मैं अभी आया। अलख निरंजन। लीजिए महाराज। प्रणाम महाराज। अलख निरंजन। हाँ? प्रभु की माया।
रानी जी की जय हो। आइए आइए मंत्री जी, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? महारानी जी, ये दूध आपके लिए संत रविदास जी ने भेजा। क्या कहा, गुरु जी ने भेजा है? जी। इस दूध को भेजने के पीछे जरूर कोई कारण होगा, लाइए दूध दे दीजिए। हे प्रभु, मेरे गुरु जी की लाश तेरे हाथ में है, उन पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। मीरा विष मिला दूध पीकर भी जीवित है, इसका मतलब ये कि तुमने दूध में विष मिलाया ही नहीं। महाराज, मैं एक क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय कभी अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। ठीक है, कल बड़े दरबार में ये साबित हो जाएगा कि मीरा कितनी बड़ी भक्त है। मीरा, हम तुम्हें अंतिम बार समझा रहे हैं, प्रभु साधु संत और उस शूद्र रविदास का चक्कर छोड़कर राज्य के कार्य में ध्यान दो। पिताश्री, मैं अपने प्रभु को अपने आप से कैसे अलग करूं? वे तो मेरे तन मन और आत्मा में बस गए हैं, और अपने गुरु को कैसे छोड़ दूं? जब से उनका भेजा हुआ दूध पिया है तब से तो वो मेरे अंग अंग में समा गए हैं। यदि ये तुम्हारा अंतिम फैसला है तो हमारा फैसला भी सुन लो। इस पिटारे में नाक है, उस नाक को तुम अपने हाथ में पकड़ो। नाक को पकड़ते ही तुम्हारी भक्ति की पकड़ ढीली हो जाएगी। जो आज्ञा पिताश्री। धन्य हो प्रभु, आज आपने अपनी मीरा की लाश रख ली। आज आपने साबित कर दिया कि आप हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ हो प्रभु। पुत्री मीरा, हमें क्षमा करें, हम अहंकार में आकर उस ईश्वर को भूल गए थे। धन्य है वो संत रविदास जिसने भक्ति के प्रति तुम्हारा सही मार्गदर्शन किया है। पुत्री, हम भी संत रविदास जी के दर्शन करना चाहते हैं। पिताश्री, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही आपकी सबसे बड़ी सजा है। यदि आप संत रविदास जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप उन्हें सम्मान के साथ आमंत्रित कीजिए, वे अवश्य आएंगे। ठीक है पुत्री। मंत्री जी, संत रविदास को आदर सम्मान के साथ यहाँ लाने का प्रबंध किया जाए। यहाँ उपस्थित दरबारियों एवं प्रजागण, हम अपने दरबार में आप सबका स्वागत करते हैं, और स्वागत करते हैं हमारे बीच उपस्थित महान संत रविदास जी का। हम रविदास जी की भक्ति ज्ञान और विचारों से सहमत हैं। रविदास जी इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि छोटी जाति में जन्म लेने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि छोटा होता है तो अपने विचारों से। दरबारियों, हम रविदास जी का राज्य सम्मान करना चाहते हैं। मंत्री जी, रविदास जी का राज्य सम्मान किया जाए। ठहरिए महाराज, इस अछूत का सम्मान करके आप हमारा और सभा में उपस्थित सारे विद्वानों का अपमान कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? इसका जन्म एक छोटी जाति में हुआ है और इसे अपने जाति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। धर्म और ज्ञान के प्रचार के लिए हम लोग हैं, और हमारी पवित्रता के प्रमाण के लिए हमारे तन पर ये जनेऊ है। इस अछूत के पास क्या है तो ढोंगी है, इस अछूत को बाहर निकालो। बस कीजिए, बहुत हो चुका। मेरा और मेरी जाति के लोगों का मानो इस जाति में जन्म लेना अभिशाप हो गया है। मैं पूछता हूँ क्या अंतर है आप में और हम लोगों में? अरे आप क्या बोलेंगे मैं बताता हूँ। जिन पांच तत्वों से आप लोग बने हैं उसी से हम लोग भी बने हैं। फिर ये ऊंच नीच का भेदभाव किसने पैदा किया? आप लोगों ने। ईश्वर ने तो हमारे माथे पर नहीं लिख भेजा था हम अछूत हैं। और हाँ, अगर जनेऊ ही श्रेष्ठता का प्रमाण मात्र है तो मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए। जनेऊ सिर्फ तन पर नहीं आत्मा पर धारण होता है। अरे बंद कर अपने ये प्रवचन। यदि जनेऊ आत्मा पे धारण होता है तो निकाल कर दिखा जनेऊ अपनी आत्मा से। हे प्रभु, आज फिर तेरे भक्त की इज्जत दांव पर है। आज अगर मैं हारता हूँ तो ये मेरी नहीं तेरी हार होगी, क्योंकि तूने हमें
छोटी जाति में जन्म देकर सही किया या गलत, इसका फैसला तुमको आज यही सबके सामने करना होगा। बस प्रभु बस, मैं आपका और इम्तिहान नहीं ले सकता, मुझे इस संसार से मुक्ति दे दो प्रभु, मुक्ति दे दो। वीरा, हम संत रविदास की भक्ति को प्रणाम करते हैं। मंत्री, ये दुखद समाचार उनकी पत्नी को दे आओ। जी महाराज। लीला अपरंपार प्रभु जी तेरी, माता सब संसार। लीला अपरंपार प्रभु जी तेरी, माता सब संसार। लीला